आजकल मार्केट में फॉर्मूला मिल्क इतनी आसानी से मिल जाता है और इतनी वैरायटी में मिल जाता है कि हम ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने का ज़्यादा सोचते भी नहीं। बट फॉर्मूला मिल्क में जो मिनरल्स होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, जो न्यूबॉर्न को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ब्रेस्ट मिल्क में जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं और साथ में एंटीबॉडीज़ भी होते हैं जो बच्चों को बदलते मौसम में प्रोटेक्टेड रखते हैं। अगर दिन में एक या दो बार फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर इसे ज़्यादा देना पड़ रहा है तो ज़रूर ब्रेस्ट मिल्क को इनक्रीज़ करने का सोचना चाहिए। आज इसलिए लेकर आई हूँ एक ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल रेसिपी जो पोस्टमार्टम पीरियड में मेरी काफ़ी मदद की। ये सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क को इनक्रीज़ नहीं करता है बल्कि ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ वर्षा। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए पम्पकिन लीव्स, जिसे धोकर फाइनली चॉप कर लेना है। ये एक पारंपरिक भोजन है जो ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। साथ ही इसमें है पोटेशियम जो मसल्स को मूवमेंट करने में मदद करती है, आयरन कैल्शियम जो बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखती है, पानी है जो शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है, फाइबर है तथा विटामिन ए बी सिक्स और के है जो हमें पोषण देती है। साथ ही हमें चाहिए पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स में है सेडेटिव प्रॉपर्टीज जो न्यू मॉम को रिलैक्स रखती है और जिससे ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। एक चम्मच पॉपी सीड्स को हमें पेस्ट बना के लेना है। पेस्ट बनाते समय हरी मिर्च डाल सकते हैं और इसे जरूर मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। मुझे तीखा पसंद नहीं इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ। और इसे थिक बनाने के लिए मैंने छोटा सा आलू भी लिया है। इसे जल्दी पकाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में सरसों का तेल ऐड किया है एक चम्मच, आप चाहे तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें तीखा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा आधा लाल मिर्च डाला है। और जैसे ही मिर्च भुन जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप्ड आलू। आलू को हम 30 सेकंड के लिए भुनेंगे। जब ये 30 सेकंड भुन जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे पम्पकिन लीव्स। पम्पकिन लीव्स डालने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसे थोड़ी देर पकाएंगे। जब इसमें से पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और दो सीटी आने तक पकाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये साग जल सकता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तो दो सीटी आने के बाद जब प्रेशर रिलीज हो गया है तो हम इसे खोल के देखते हैं, ये पूरी तरह से पक चुका है बट इसमें थोड़ा सा पानी और भी है। तो हम इसे फिर से हीट करेंगे और इसे पानी सूखाएंगे थोड़ा सा। जब थोड़ा सा पानी सूख जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे पॉपी सीड पेस्ट और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि एक थिक सा कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। बस ये तैयार है सर्व करने के लिए। इसे हम चावल के साथ खाते हैं, आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।